और एक पढ़ना इतना खतरनाक अमल है कि मैं आपको ये बुखारी से हदीस बताता हूं, खतरनाक इस हवाले से कि जायज जरूर है लेकिन पसंदीदा नहीं है। एक पढ़ना इतना खतरनाक अमल है कि मैं आपको ये बुखारी से हदीस बताता हूं, खतरनाक इस हवाले से कि जायज जरूर है लेकिन पसंदीदा नहीं है। ये सुन लें आप हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। यह शिकायत की गई इब्ने अब्बास को, तो उन्होंने फरमाया कि माविया को छोड़ दो, वो खुद फकीह और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं, अगर वो ये कर रहे हैं अमल इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा सहाबा ने, शिकायत की कि ये देखें हजरत माविया, यानी इसका मतलब कोई और पढ़ता ही नहीं था एक भी तक। हम जिस वजह से इसको सही समझते हैं वो अबू दाऊद और तिर्मिजी इब्ने माजा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर मुसलमान पे अल्लाह का हक है, जिसकी मर्जी पांच पढ़े, जिसकी मर्जी तीन, जिसकी मर्जी पढ़े एक, उसकी से हम इसको जवाज की हद तक मानते हैं। लेकिन उस हदीस की भी तावील हो सकती है कि वो एक पढ़ेगा तो साथ दो मलाई भी हो, यह भी हो सकती तावील।